अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थी, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अक्सर हमेशा अपने पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हारकर उसने टूटा हुआ गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता न चले। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि अपना प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा तो उसने कह दिया कि महाराज उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था तो सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट चुका है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता है तो वो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे सब सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सबने राजा को कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। राजा के दरबार से निकालने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वे इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने जोरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर के सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। बीरबल बोले, जापना आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सेनापति की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने की बनी गेहूं की बाली दी है और कहा है कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज्य दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने की बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की यह बात सुनकर सभी राज दरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि क्या राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ बोला हो। सभी खामोश थे। बीरबल बोले, जापना अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही अकबर उस सेवक की फांसी की सजा को रोक देते हैं।